टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के संजय नगर के पास गाड़ी धोने वाली सर्विस सेंटर में करंट लगने से एक 20 साल के रोहित शुक्ला की जान चली गई। संजय नगर के पास स्थित में कंपनी के गेट के पास ही सर्विस सेंटर है और कल्लू शुक्ला नाम का एक शख्स है, उसका ये सर्विस सेंटर है बताया जा रहा है। और जिस लड़के के करंट लगने की वजह से जान चली गई है, रोहित शुक्ला, वो कल्लू शुक्ला का बेटा है ऐसा बताया जा रहा है। ये घटना आज दोपहर के वक्त करीब 3:30 बजे के आसपास में हुई है और करंट लगने के बाद रोहित शुक्ला को तत्काल बुरहानी हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर करंट लगने की वजह से रोहित शुक्ला बच नहीं पाया, उसकी जान चली गई, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करंट कैसे लगा, अभी तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक मोटर का जो तार होता है, अक्सर कुछ लोग उसे हुक बनाकर उसे फंसाने का काम करते हैं, उस फंसाकर उससे मोटर चलाते हैं और गाड़ी धोने या गाड़ी धोने के बाद मोटर का तार रोहित हटाने या लगाने के लिए गया था, उसी वक्त वो तार उसके सीने से टच हो गया और उसे करंट लग गया। मगर वहीं और लोगों से जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो गाड़ी धोने के लिए जो पाइप का इस्तेमाल होता है उसके आगे जहां पानी का प्रेशर निकलता है वहां पर तांबे पीतल का जो लोहे का सामान लगा रहता है उसमें करंट आ रहा था और इसी वजह से रोहित शुक्ला को करंट लग गया। बहरहाल ये दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 दिन पहले ही रोहित के भाई को गाड़ी धोते समय करंट के झटके लगे थे, मगर आज हुए इस हादसे में रोहित शुक्ला की जान चली गई है। परिवार के लोगों का अस्पताल के बाहर रो रो कर बुरा हाल है। बुरहानी हॉस्पिटल में मुमरा पुलिस की टीम भी पहुंची और शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस पूरी घटना पर परिवार के लोगों से हमसे बात नहीं हो पाई है क्योंकि परिवार के लोग बात करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर सके। मगर सूत्रों के द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी उसमें ये दो तरह के करंट लगने की बात सामने आई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच करेगी कि आखिर कैसे रोहित शुक्ला को करंट लगा और कैसे उसकी जान चली गई। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।